हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं। एक ट्यूटोरियल है, आपने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे आई नो कि पहले भी वीडियोस देखी होंगी कि रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो मैं एक ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आई हूँ कि रिबॉन्डिंग कैसे करें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आज। तो जब भी आप रिबॉन्डिंग करें उस टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपने रिबॉन्डिंग करनी है। तो सबसे पहले जब आप रिबॉन्डिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते वक्त सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने करना है अपने हेयर को वॉश, अच्छे से वॉश कर लेना है शैम्पू के साथ। ये रिबॉन्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है, स्मूथनिंग का या स्ट्रेटनिंग का नहीं है, रिबॉन्डिंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने करना है अपने बालों को वॉश। बालों को जब भी बाल वॉश हो जाएंगे और शैम्पू टू टाइम करना है। वैसे तो प्योरीफाइंग शैम्पू का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्योरीफाइंग शैम्पू नहीं है तो आप नॉर्मल शैम्पू का यूज़ कर लीजिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि रिबॉन्डिंग आप घर पर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन की नीड होती है, आप अकेले नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना, शैम्पू करना है, टू टाइम शैम्पू करना है, उसे वॉश करना है और अच्छे से सुखा लेना है। ड्रायर की हेल्प से सुखा लीजिए, और या फिर नॉर्मली अगर नेचुरल सूख रहे हैं सुखा लीजिए। मां सुबह वॉश कर लिया, 10 o'clock तक वो सूख जाएंगे, ड्रायर की हेल्प से तभी सूख जाएंगे। आपने क्या करना है, बालों को अच्छे से सुखा लेना है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप हो गया है ड्राई करने का। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, स्ट्रेटनिंग। रीबॉन्डिंग में आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने से पहले बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है, यानी आयरनिंग करनी पड़ती है। तो आपको करना है आयरनिंग, आपको छोटे छोटे सेक्शन, मीन्स टू से कि मेरे बाल हैं तो आपको इतने इतने सेक्शन लेने हैं, इतने इतने सेक्शन, ठीक है। पीछे से स्टार्ट कीजिएगा और पीछे से करते रहते आप आगे तक आ जाएंगे, और इतने इतने बालों में आपने अच्छे से स्ट्रेटनिंग करनी है, बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रेटनिंग करनी है रीबॉन्डिंग के लिए। और टेम्परेचर भी आपको थोड़ा हाई रखना है इसके लिए, हाई नहीं यानी कि ज़्यादा भी नहीं। अगर आप आयरनिंग जो है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा कम रखिए, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अपने इतने इतने बाल लेके, ये करके थोड़े थोड़े से बाल लेके बैक से स्टार्ट कीजिएगा, और कॉम की हेल्प से सेक्शन ले लेके आयरनिंग कर लीजिए कंप्लीट बालों पे, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अब क्या हो, स्ट्रेट यानी कि थर्ड स्टेप करने के बाद आपके पास आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना, आप यूज करोगे स्टेप नंबर 1। ये देखिए मैट्रिक्स का है, जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हो अपने बालों के अकॉर्डिंग यूज कीजिए, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप करोगे स्टेप 1, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1, ये जो है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो फर्स्ट स्टेप में आप करोगे स्ट्रेटनिंग क्रीम का यूज, जो कि स्टेप 1 होता है। ये प्रोसेस भी आपने बैक से स्टार्ट करना है, यानी पिछले बालों से। बालों को 2 parts में डिवाइड कर लीजिए कि एक इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएंगे, और बैक से छोटा छोटा पोर्शन लेते हुए आपको एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ इतने बाल लेने हैं, इतने बाल लेने हैं एक टाइम में, बहुत छोटा सा सेक्शन लेना है। इतने बालों इतने बाल लेकर इस एक चीज और कि आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेट और सूखे हुए होने चाहिए। तो आपने ये क्रीम को किसी प्लास्टिक के बाउल में निकालना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी निकालिए, एक्सेस मत निकालिएगा क्योंकि वेस्ट होता है, आप ऐसे भी लगा रहे हो उस चीज़ पे। तो आप बाउल में निकालेंगे और इतने इतने से बाल लेकर अपने सारे बालों पर थोड़े थोड़े से लेने हैं, सारे बालों पर अच्छे से इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में रखकर अच्छे से इमल्सिफिकेशन करनी है। ये प्रोसेस करते वक्त अपने हाथों में ग्लव्स जरूर डाल लीजिएगा, और जब ये पूरे नीट डाउन आने तक इसको इमल्सिफाई करना है, फिर उस पर कॉम करना है और उसे छोड़ देना है। इन बाल जो बाल होंगे आपने पीछे एल्यूमिनियम फॉइल शीट लगानी है और उन बालों के ऊपर उन्हें छोड़ना है। ऐसे करते करते आप सारे बालों पे, यहाँ से भी सारे बालों पे आपकी क्रीम अप्लाई हो जाएगी, ये प्रोसेस। लेकिन अगर जब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हो तो उस टाइम पे जब आप क्रीम अप्लाई करोगे तो नियर अबाउट अपने रूट्स को छोड़कर, रूट्स जैसे कि ये है, यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर रहे हो तो इतने बालों को छोड़कर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए, इतने बालों को छोड़ना है फिर क्रीम अप्लाई करनी है, क्रीम स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए,
वरना आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, रूट से झड़ने लग जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। थैंक यू। ये प्रोसेस आपको 15 टू 20 मिनट्स में करना है, 15 टू 20 मिनट्स में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। जो आपके आगे के बाल हैं वो भी आपने पीछे लेने हैं सारे, और वो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा आपको उन बालों को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देना है। नियर अबाउट आधे घंटे में आपका प्रोसेस हो जाएगा। आपने आधे ये प्रोसेस, ये क्रीम क्या करती है, ये क्रीम आपके बालों के बोंड को तोड़ती है, आपके बालों को तोड़ देगी, बोंड को तोड़ देगी। देखिए री बॉन्डिंग नाम क्या है, री बॉन्डिंग, री मतलब फिर से, बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग कर रहा है यानी बॉन्ड बनाना, फिर से बॉन्ड बनाना, इसी को ही कहते हैं री बॉन्डिंग। तो आपके बाल जो बालों के जो बोंड है वो टूट जाएंगे। आपको कैसे पता लगेगा, जब आप आधा घंटा हो जाएगा आप अपना एक बाल लीजिएगा उसमें से और उसे ना खींच के देखिएगा, जैसे कि एक बाल मैंने लिया है यहाँ पे, आप ऐसे ही उन बालों में से एक बाल लीजिएगा उसे ना ऐसे खींच के देखिएगा। अब मैं इस बाल को खींच के देख रही हूँ, देखिए ये जो बाल है ये खींच नहीं रहा है, अगर मैं ज़्यादा खींचूंगी तो टूट जाएगा ये वाला बाल, लेकिन वो वाले बाल होंगे ना तो उस पर इलास्टिसिटी आ जाएगी, वो खींचेगा यानी कि इस तरह से वो खींचने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोसेस हो गया है। अगर वो नहीं होता है तो आप उसको 5 to 10 minutes के लिए और छोड़ दीजिए। जब ये प्रोसेस हो जाएगा आपने हेड को वॉश करना है। वॉशिंग के टाइम पे आपने कोई भी शैम्पू यूज नहीं करना। फिफ्थ नंबर पे वॉशिंग आएगी, कोई भी शैम्पू यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, बालों को अच्छे से वॉश करना है, सारा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट, जरा सा भी प्रोडक्ट बालों में रहना नहीं चाहिए, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे भी, यहाँ से भी सारा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने लगाना है हेयर मास्क, हेयर मास्क आता है आप उसे लगाइएगा, और लगाने के बाद आपने 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है शैम्पू स्टेशन पे ही, कस्टमर या जो आप जहाँ भी कर रहे हैं आप वहाँ पे 5 मिनट्स के अपने बालों पे, गीले बालों पे ही हेयर मास्क लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट्स बाद आप फिर से वॉश करेंगे। 6 नंबर पे हमने हेयर मास्क लगाया, आपने उसे फिर वॉश किया, शैम्पू नहीं करना है। वॉश करने के बाद आप उस पर कॉम करोगे, कॉम करने के बाद उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप जिस ड्रायर का यूज़ कर रहे हो उसकी हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम हीट रखनी है, लेकिन ब्लो फुल होना चाहिए। आपने अपने बालों को फिर 90% सुखाना है, ठीक है, 90% सुखाना है। पहले क्या किया था आपने, शैम्पू, शैम्पू के बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद आपने थर्ड नंबर पे किया था क्रीम, यानी कि फर्स्ट नंबर अप्लाई किया था क्रीम का ये वाला, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद आपने क्या किया है, इसको रखा है कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए। क्रीम के बाद हमने क्या किया है, वॉश, वॉश के बाद हेयर मास्क, हेयर मास्क के बाद हमने क्या करना है, ड्राई, लेकिन कम हीट में, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हीट कम ब्लो ज़्यादा। तो हमने क्या कर लिया, इसको अच्छे से ड्राई कर लिया, 90% ड्राई करना है। अब आपने करना है फिर से आयरनिंग, यानी कि बालों फिर से स्ट्रेट करना है अच्छे से। आप जो है आप सेम वही प्रोसेस पीछे से स्टार्ट करोगे, और इतने से थोड़े थोड़े से बाल, जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि इतने से बाल लेने हैं स्ट्रेट करने के लिए, आपने सिर्फ इतने से बाल लेने हैं। और ये जो प्रोसेस है, एक एक जो आप सेक्शन ले रहे हो इस पर 10 टाइम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना, 10 टाइम आप उसे स्ट्रेट करोगे अच्छे से, क्योंकि इस स्टेप से आपको यह पता लगेगा कि आपकी रीबॉन्डिंग कैसे होगी। जैसा आपकी आयरनिंग होगी ऐसी ही आपकी रीबॉन्डिंग होगी। तो आपने अच्छे से इसे स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। 7 स्टेप पे हमने क्या किया है, स्ट्रेट किया है। अब स्ट्रेट करने के बाद हमने क्या करना है, नंबर 2 अप्लाई करना है, यानी कि ये देखिए ये है हमारे पास स्टेप 2, इसे बोलते हैं न्यूट्रीलाइजर, ठीक है ना, ये स्टेप नंबर 2 है। जैसे आपने क्रीम अप्लाई की थी ऐसे ही आपने इस स्टेप को अपने पीछे बैक से स्टार्ट करना है और सारे बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद इसको करने के बाद आपने ये जो आप स्टेप करोगे 8 नंबर पे आप ये स्टेप करोगे, इसको करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है।
आधे घंटे के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना। इस टाइम पे जो जिस पे ये स्टेप लगा है उसे मूव नहीं करना, उसे रोटेट नहीं करना, अपने नेक इधर उधर नहीं हिलानी है, ठीक है। आपने उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आप जस्ट जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर आपके मूवमेंट होती है तो आपका जो बालों का टेक्सचर है, जो भी बाल आपका मुड़ता है या टर्न आता है किसी भी बाल में, तो वैसा ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, ये प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने फिर क्या करना है, वॉश करना है। आधे घंटे के बाद आप वॉश करोगे, इसमें भी आपने कोई भी शैम्पू नहीं लगाना। जब आप इसको भी अच्छे से प्रोडक्ट को रिंस आउट कर देना है, निकाल देना है, अच्छे से वॉश कर देना है। अब वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें फिर से हेयर मास्क लगाना है। जो आपने बीच में स्टेप नंबर 1 के बाद जो हेयर मास्क लगाया था, वही हेयर मास्क का बाद में लगाओगे। 10 मिनट्स के लिए आपने उसे बालों पे छोड़ना है, गीले बालों पे। जब वॉश कर रहे होंगे, बाल गीले होंगे, तभी आप मास्क लगाएंगे बालों पे। रूट्स पे नहीं लगाना है, लेंथ पे लगाना है। और उसको छोड़ देना है कितने मिनट्स के लिए, नियर अबाउट 10 मिनट्स के लिए आपने छोड़ दिया। 10 मिनट्स बाद आपने फिर से वॉश करना है बालों को, फिर से आपने हेयर्स को वॉश करना है। अब जब ये वॉश हो जाएंगे, जब ये जो है वॉश हो जाएंगे, तो अच्छे से वॉश करने के बाद आपने फिर से इन्हें फिंगर ब्लास्ट यानी कि ड्राई करना है। फिर से आपने इन्हें ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपका जो लास्ट काम होगा, फिर से आयरनिंग करना। आपने अब पतले पतले सेक्शन लेके आयरनिंग नहीं करनी, आपने मोटे मोटे सेक्शन लेके अब आयरनिंग करनी है पूरे बालों पे। थोड़े ही टाइम में जल्दी हो जाती है वो, ठीक है। तो सारे बालों पे आपने बैक से स्टार्ट करोगे, फ्रंट तक आओगे, सारे बालों पे आयरनिंग हो जाएगी। फिर लास्ट में आपने सीरम लगाना है पूरे बालों पे, लेंथ पे लगता है सीरम, सीरम लगाना है। जब सीरम लग जाएगा सारे बालों पे, तो सीरम लगने के बाद आपने क्या करना है इनको, ये आपका जो होगा रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने लेनी है प्रिकॉशंस, यानी कि नियर अबाउट 24 से 48 आवर्स तक, यानी 24 घंटे 48 आवर्स, यानी कि 24 एक या दो दिन तक। थर्ड डे आपका वॉश होगा, तो आपने तीसरे दिन यानी कि 24 घंटे छोड़कर दो दिन बाद थर्ड डे वॉश करना है। और वॉश कौन से शैम्पू से करना है, उस शैम्पू से आप बिल्कुल वॉश नहीं करोगे जो आप रेगुलर यूज करते थे। रिबॉन्डिंग के बाद आप वो शैम्पू यूज करोगे जिस कंपनी की आपने रिबॉन्डिंग करवाई है। मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स का शैम्पू, कंडीशनर जरूर लगाना है। लोरियल का शैम्पू, लोरियल का रहे तो लोरियल एक्सटेंसो की आती है, तो लोरियल का शैम्पू, लोरियल का कंडीशनर, सीरम भी लगाइए। और अगर आपने स्ट्रिक्स कराया तो स्ट्रिक्स का शैम्पू, कंडीशनर। इस तरह से आपने ये प्रोसेस करना है। और जो बीच में दो दिन होंगे उसमें आपने बालों को बांधना नहीं है। अगर आप बांधोगे तो यहाँ पे आपका एक टेंगल आ जाता है, क्योंकि बाल ऐसे होते हैं तो ऐसे ही रह जाते हैं, यानी कि मिस्टर से इस तरह से वेव आ जाती है। और बालों जब सोते वक्त पीछे करके सोना है, ठीक है, बालों को आगे करके नहीं सोना है। बाल मुड़ने नहीं चाहिए, जहाँ से बाल मुड़ेंगे वहाँ से आपके बालों में वेव आ जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और शैम्पू कीजिए, कंडीशनर कीजिए, सीरम लगाइए, ये प्रोसेस आपको करना है। और हर मंथ आपको स्पा लेनी है, बालों में स्पा की बहुत जरूरत पड़ती है, स्पा लेनी है। तो ये जो प्रोसेस है ये रीबॉन्डिंग का प्रोसेस है। आप ऐसे रीबॉन्डिंग करा सकते हो, कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा ध्यान से कीजिए। और क्रीम नॉलेज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, और आपने कौन सी क्रीम का